हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम करेंगे हमारे एग्जांपल्स, जो हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग सीरीज, उसमें हमने थ्योरम्स की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो कोई भी हमें अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई हो और अगर वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाती है तो वो डेफिनेटली कन्वर्ज भी जरूर करेगी। तो ये इस थ्योरम का हम ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर अब यूज करेंगे। देखिए, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अब देखिए, जैसे हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो हमें यहां से क्लियर दिख रहा है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अब इसकी जो nth क्रम है an आपको दी हुई है -1 की पावर n साइन एन एक्स ओवर में एन क्यू एन एक्स ओवर में एन क्यू, ये हमें nth क्रम दी हुई है इस अल्टरनेटिंग सीरीज की। तो ये इससे क्लियर होता है कि भाई अल्टरनेट साइन है, माइनस प्लस चलेगा क्योंकि n की आप वैल्यू बदलते रहिए। देखिए, 1 पे माइनस आएगा, 2 पे प्लस हो जाएगा, 3 पे फिर माइनस आएगा, 4 पे प्लस आएगा। इस तरीके से इस सीरीज में क्या होता रहेगा, बार बार अल्टरनेट साइन आते रहेंगे। तो इट मीन्स ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अब हमें अगर इजिली अगर हमें ये पता कर पाए कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है या नहीं करती, अगर हम आसानी से कर पाते हैं, हमारे पास अलग अलग मेथड है। एक लेबनीज टेस्ट हमने किया है, उससे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं अगर हो सकता है तो। वो हमने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस चीज से करना इजी रहेगा। तो देखिए, अब ये ए एन है, मैं क्या करता हूं, मैं इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जन चेक करता हूं इस सीरीज का। तो इसकी मैंने nth टर्म ली, इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जन चेक करूंगा। इट मींस जो है नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस वन की पावर एन का रोल खत्म हो जाएगा, यानी कि सब चीजें सब टर्म्स पॉजिटिव आएगी। तो यानी मोड ए एन क्या बनेगा हमारा, साइन एन एक्स ओवर में एन क्यू। आप देखिए, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, आप ये पढ़कर आए हैं, जो मोड साइन एक्स होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। सभी को पता है ये प्लस 2 का रिजल्ट है, बहुत इजी रिजल्ट है। तो ये हमें पता है, आप एज मोड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ईच रियल नंबर एक्स। अब देखिए, एक्स रियल है, एन भी कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा रियल नंबर ही आएगा यहां से। अब हमने देखिए इसका मोड लिया है, अब आप ये ध्यान देंगे, हमने इसका मोड लिया है इस पूरी सीरीज का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये साइन एन एक्स का मोड हो जाएगा हमारा, और ये एन क्यूब। और मोड ऑफ साइन एन एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और एन क्यूब का मोड इसलिए नहीं लिया क्योंकि एन नेचुरल नंबर है, वो पॉजिटिव ही होता है, और मोड का काम नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है। साइन तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आ जाएगा, इसलिए हमने मोड लगा दिया कि वहां पर वो पॉजिटिव कर देगा उसे। तो हमने हर टर्म का क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, यानी कि मोडलेस लेना है। हमने मोडलेस लिया है हर टर्म का, तो साइन मोड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और एन क्यूब एज इज। और अब आप देखिए, ये हमारी बन रही है सिग्मा 1 बाय एन की पावर पी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं इसके बारे में। ये जो सीरीज है इस फॉर्म की, पी ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है और पी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करती है। ये हमारा थर्ड चैप्टर में हमने इस थ्योरम का प्रूफ किया है, पी टेस्ट हम जिसे बोलते हैं, फेमस रिजल्ट है हमारा ये टेस्ट है, पी टेस्ट। तो अब ये देखिए, यहां पर इस टेस्ट का यूज करने जा रहा हूं मैं। देखिए, ये अब सिग्मा 1 बाय एन क्यूब, यानी कि अगर मैं सिग्मा 1 बाय एन क्यूब लिखूं तो यानी इसकी nth क्रम है ये 1 बाय एन क्यूब। अब एक हम कंपैरिजन टेस्ट पढ़कर आए हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या है, अगर समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, देन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। कहने का मीन्स ये है कि दो सीरीज अगर आपके पास है और उसकी कोरस्पोंडिंग टर्म, एक की कोरस्पोंडिंग टर्म दूसरी की कोरस्पोंडिंग टर्म से क्या है, लेस है, यानी कि ए वन बी वन से छोटा है, ए टू बी टू से छोटा है, ए थ्री बी थ्री से छोटा है, इस तरीके से चल रहा है। तो जो मैं सम करूंगा, सिंपल सी बात है, तो ये सम इस सम से क्या आएगा, छोटा आएगा, लेस आएगा। तो यानी कहने का मीन्स ये है, जब बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो छोटी को ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ता है, कन्वर्ज करना ही पड़ता है, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन टेस्ट। तो अब यहां से देखिए, आप यहां से लिखेंगे, वी नो दैट
बाय पी टेस्ट समेशन वन बाय एन क्यूब इज कन्वर्जेंट. दिस इंप्लाइज क्या इंप्लाई करेगा कि ये कन्वर्जेंट है और ये सीरीज जो है ये इससे छोटी है. इस सीरीज का छोटा होने का मतलब समेशन मोड ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट. ये कंपैरिजन टेस्ट से हमारी क्या होगी कन्वर्ज करेगी ये सीरीज जिसकी अनथ टर्म मोड ए एन है. ये मोड ए एन कन्वर्जेंट हुई है तो इट मींस जो ये समेशन ए एन है हम ये कहेंगे ये क्या कर रही है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है. अब हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज अब इसको आप छोड़ दीजिए इसको बाद में करेंगे हम. दिस इंप्लाइज समेशन ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हेंस समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट. ये hence a summation a n is convergent मैंने क्यों लिखा क्योंकि हम थ्योरम पढ़कर आए हैं कि एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. मैंने इस सीरीज का क्या किया है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक किया है और मुझे मिल गया कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है. तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो इट मींस ये कन्वर्जेंट भी जरूर होगी. तो हमने ये प्रूव करके दिखाया कि ये हमारी सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है. तो कहने का मींस ये है. अब रिजल्ट्स हैं देखिए जो हमने रिजल्ट पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं उनका भी कहीं पे भी यूज हो जाएगा. कंपैरिजन टेस्ट बहुत जगह यूज होता आया है ये भी आपने देखा है कि बहुत जगह यूज होता है कितनी जगह हम यूज कर चुके हैं. तो पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट बार बार यूज होते हैं और अल्टरनेटिंग सीरीज का एक ही रिजल्ट यूज हुआ है यहाँ पर कि एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. ये जो हमने थ्योरम प्रूव की थी उसका हमने यह यूज किया है कि समेशन ए एन क्योंकि एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है इसलिए वो कन्वर्जेंट भी जरूर होगी. तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है. ये सारे एक ही फॉर्म के क्वेश्चन है इसलिए मैंने सबको इकट्ठा लिख दिया है. अब देखिए ऐसे ही मैं इसको करूंगा. अब यहां पर an कह लीजिए an क्या है हमारा माइनस वन की पावर n माइनस वन कोज स्क्वायर एन एक्स ओवर में इसको हम n की पावर 3/2 लिख सकते हैं बेस से. ये इसका मतलब n की पावर 1/2 है बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी n की 3/2 बन जाएगी. तो अब यहां पर an का मैं अगर मोड लूंगा तो क्या हो जाएगा कोज स्क्वायर एन एक्स का मोड यानी इसका मोड तो प्लस हो जाएगा और यहां पर मोड लगा दिया और n की 3/2 और ये लेस देन होगा इक्वल टू किस से n की 3/2 से. सेम रीजन से साइन एक्स और कोज एक्स दोनों का मोड ही लेस देन इक्वल टू 1 होता है और उसका स्क्वायर भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा. आप करके देख सकते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा. अब आपको पता है अब यही चीज आपको दोबारा से लिखनी है. कैसे लिखनी है कि आपको पता है कि ये कन्वर्जेंट है. ये क्यों कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट आप लिखेंगे सेम वी नो दैट बाय पी टेस्ट 1/n की पावर 3/2 क्योंकि ग्रेटर देन 1 हो गई है यानी 1.5 हुई क्योंकि तो यानी ग्रेटर देन 1 हुई और बाय पी टेस्ट पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है. तो ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब जो है ये सीरीज यानी कि ये सीरीज का मतलब जो इससे बनेगी यानी समेशन ए एन क्या होगी हमारी कन्वर्जेंट होगी. ये कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब होगा जो समेशन ए एन होगी वो क्या होगी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी और एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट भी होती है यानी समेशन ए एन क्या होगी हमारी कन्वर्जेंट भी होगी. ये सिस्टमैटिक मैंने यहां लिखकर दिखा दिया था या मैंने आपको सारे का सारा सिंपल फॉर्म में बता दिया क्योंकि ये कन्वर्जेंट है. ये कन्वर्जेंट का मतलब इससे जो सीरीज बनेगी यानी समेशन 1/n की पावर 3/2 ये कन्वर्जेंट है. तो ये कन्वर्जेंट हुई तो बाय कंपैरिजन टेस्ट इससे छोटी जो है ये समेशन मोड ए एन ये भी कन्वर्जेंट होगी. ये कन्वर्जेंट होने का मतलब ये हुआ कि जो समेशन ए एन सीरीज है वो क्या हुई वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो गई और एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट सो दिस समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट. सिंपल सी बात है. ऐसे ही अभी ये क्वेश्चन है हमारा. अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम है ये देखिए बस यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि सारी जगह आप यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए यहाँ स्क्वायर आ जाएगा यहाँ स्क्वायर आ जाएगा यहाँ स्क्वायर आ जाएगा. मैं कर नहीं रहा हूं सिर्फ बता रहा हूं आपको. तो 1/n स्क्वायर भी बाय पी टेस्ट क्या होता है कन्वर्जेंट होता है. इसका मतलब समेशन मोड ए एन क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट. इट मींस क्या होगा समेशन ए एन जो है ये समेशन ए एन है ये क्या होगा एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगा और एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगा तो वो कन्वर्ज भी जरूर करेगा क्योंकि ऐसी हमें थ्योरम कहती है जो हमने सेकंड लेक्चर में की थी.
तो देखिए तीनों क्वेश्चन आपको, तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे लगभग लगभग। तो तीनों क्वेश्चन में आपने देखा यहां पर n की पावर p दी हुई थी तो, और वो ग्रेटर देन वन थी तो, और वो ग्रेटर देन वन होने की वजह से वो कन्वर्ज कर रही थी, और कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हमने दिखाया कि जो छोटी सीरीज है कि वो भी कन्वर्ज करती है, तो इसलिए ये कन्वर्ज कर गई। कन्वर्ज करने का मतलब वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर गई, जो गिवन सीरीज है और एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है वो कन्वर्ज भी जरूर करती है। तो देखिए बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट्स का यूज हो रहा है, वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला मैं, जिसके लिए मैं ये रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि एक ये करेंगे हम और एक ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इस एग्जांपल में देखिए, अब यहां पर आपके पास ए एन क्या है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन साइन वन बाई एन है हमारे पास, ये हमने लिखा। मोड ऑफ ए एन लेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मोड तो प्लस हो जाएगा और मोड ऑफ आपके पास आ जाएगा साइन वन बाई, ये आपके पास आ जाएगा साइन वन बाय एन आया है आपके पास, मोड मोड साइन वन बाय एन। अब मोड साइन वन बाय एन को यानी कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना है हमने, तो ये इक्विवेलेंट है, आप ये लिख सकते हैं साइन वन बाय एन की, हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली है सारी की सारी यहां पर। तो आप ये देखेंगे ये हमने साइन वन बाय एन लिया है, अब ये साइन वन बाय एन मोड ए एन किसके इक्वल आया है, साइन वन बाय एन के। अब मैं यहां पर चूज कर रहा हूं चूज, क्योंकि अब यहां पर देखिए आप n की पावर 1 है तो कन्वर्जेंट तो होने वाला नहीं है, p टेस्ट तो यूज नहीं होने वाला इस तरीके से। तो यहां पर जब कन्वर्ज कर रहा हूं तब तो मैं इसको लेस देन इक्वल टू करने की ट्राई करता, लेकिन यहां पर इससे कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, इसलिए जब हम जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको क्लियर होगी भाई कहां पर हमें किस चीज को करना होता है और किस तरीके से करना होता है। तो अब आप देखिए हमने चूज की एक सीरीज, चूज बी एन, एक सीरीज चूज की समेशन bn, और उसके अंदर टर्म हम कह रहे हैं क्या है 1 by n है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड ऑफ an by में bn, मोड ऑफ an by bn, तो क्या आ जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन 1 by n by में 1 by, और ये रिजल्ट है कि जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर रहा हो और यहां पर साइन 1 बाय बाय 1 बाय n हो तो ये किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है, ये बिल्कुल सेम है साइन x बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 होता है, वही बात यहां पर है। देखिए ये x मान लीजिए n टेंड इंफिनिटी को कर रहा है तो इट मींस 1 बाय n किसको टेंड कर रहा है, इसको x मानिए 1 बाय n को आप, तो ये देखिए आप 1 बाय n यानी x किसको टेंड करेगा 0 को, तो ये x हम ये कह सकते हैं कि 1 by n टेंड कर रहा है 0 को, मींस sin लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, sin x by x क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो ये क्या आया है विच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। अब ये भी एक कंपैरिजन टेस्ट आप पढ़कर आए हैं, क्या कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा है, अगर समेशन a n एंड समेशन b n आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an by bn is equal to l which is finite and non-zero, non-zero भी होना चाहिए, ये हम रिजल्ट पढ़कर आए हैं आपको थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर की प्लेलिस्ट में ये रिजल्ट भी आपको मिलेगा, प्रूफ मिलेगा इसका। तो अब ये देखिए, तो ये अगर इन दोनों ये then summation an and summation bn behave alike, कि अगर दो सीरीज गिवन हो और मैं इसकी nth टर्म को इसकी nth टर्म से डिवाइड करकर जो क्वांटिटी आएगी उसकी लिमिट टेंड करा दूं इंफिनिटी को और मेरे पास आंसर में एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ जाए तो इन दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होता है, अगर मुझे एक का बदल गया तो दूसरे का भी उसके जैसा ही होगा। तो अब यहां पर देखिए हमने कहा कि एक सीरीज की nth टर्म ये है मोड ए एन वाली की और बी एन वाली की nth टर्म ये है, इनकी हमने इनको डिवाइड करके लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कराया 1 आया जो कि फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, तो इट मींस तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन मोड ए एन एंड समेशन 1 बाय n बिहेव अलाइक,
ये एक जैसा बिहेव करेगी, समेशन मोड ए एन और समेशन बी एन कह लीजिए, उसकी nth टर्म 1 बाई एन है तो समेशन 1 बाई एन कह लीजिए। और हमें पता है समेशन 1 बाई एन इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो दिस इंप्लाइज समेशन मोड ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो ये हमारी क्या हुई, डाइवर्जेंट हुई। तो इट मींस ये हुआ कि जो समेशन ए एन है इज नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है जो हमें गिवन है। अब लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसा हम ये कहते हैं कि अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती तब हम ये कहते हैं ये सीरीज कन्वर्ज भी करेगी, यानी वो कन्वर्जेंट भी होगी। लेकिन अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये तब भी कन्वर्जेंट हो सकती है। तो उसके लिए हमें लेबनीज टेस्ट की हेल्प से चेक करना होगा कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है या ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। तो अब आप देखिए, नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज समेशन माइनस वन की पावर एन माइनस वन साइन वन बाय एन एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी वन टू इंफिनिटी बाय लेबनीज टेस्ट। ये हमने इस सबसे फर्स्ट जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें लेबनीज टेस्ट समझाया था, उसके ऊपर बेस्ड हमने एग्जांपल भी किए हैं लेबनीज टेस्ट की हेल्प से। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। अब इसमें देखिए, इसको हम कुछ भी नाम देंगे, यहां पे ए एन इसे कहेंगे, हम जैसे ए एन कहते हैं यहां पर इसको हम सी एन कह लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि हमने ए एन यहां पर दे चुके हैं पूरी को, ये तो हम इसको खाली इतना पार्ट चाहिए होता है, यहां पर इतना पार्ट, तो इसको हम नाम दे देते हैं सी एन। तो सी एन इक्वल टू साइन वन बाई एन मैंने लिया। अब आपको पता है वी नो दैट एन इज लेस देन एन प्लस वन फॉर ईच एन, ये आपको पता है हर नेचुरल नंबर के लिए। भाई एक नेचुरल नंबर लिया, एक नेचुरल नंबर मैंने लिया और एक दूसरा नेचुरल नंबर लिया जो मैंने वन एड कर लिया, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि ये नंबर इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, 1 by n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 by n प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ साइन इंप्लाई कर दूं तो साइन 1 by n ग्रेटर देन होगा किससे, साइन 1 by n प्लस 1 से। इट मींस क्या हुआ कि बाद वाली टर्म, ये देखिए ये सी एन है और ये सी एन प्लस 1 है फॉर ईच n। तो इट मींस क्या हुआ कि जो ये सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से ये बनी है सीरीज, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस सी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक तो हमें यही प्रूव करना होता है लेबनीज टेस्ट के अंदर कि मोनोटोनिकली डिक्रीज कर जाए, और दूसरा इसकी लिमिट टेंड करनी चाहिए जीरो को, तो वो चेक कर लेते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सी एन, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन वन बाई एन, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो दोनों के दोनों हमारे जो लेबनीज टेस्ट अप्लाई होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज करनी चाहिए, दूसरा वो कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो को, तो कर रही है। इट मींस ये हुआ कि बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो अब आप देखिए, ये सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं थी लेकिन ये कन्वर्जेंट है। इट मींस ये है कि जो ये सीरीज है ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, यानी कि कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम ये लिखेंगे दिस इंप्लाइज दिस सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये हमारी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, थोड़ा ध्यान से आपने इसको देखना है। अभी हमने ये क्वेश्चन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है। आप ध्यान देंगे, ये मैंने दो क्वेश्चन इकट्ठे लिख दिए थे,
लेकिन हमने सिर्फ अभी एक क्वेश्चन किया है, हमने पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने की कोशिश की और उसकी हेल्प से देखा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें लेबनीज टेस्ट से चेक करना पड़ा कि हमारी ओरिजिनल सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन आप मैं करवा रहा हूं, उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, मैं रब कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। अब इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर हमारी जो ए एन है वो क्या है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन टू की पावर एन ओवर में एन और ये। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने की कोशिश करता हूं मैं पहले, तो मोड ए एन निकालते हैं हम, मोड ए एन क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर एन ओवर में एन फैक्टोरियल, क्योंकि ये नेगेटिव को प्लस कर देगा तो पॉजिटिव ही रहना, तो मोड लगाने की हमें जरूरत नहीं है। कहने का मींस ये हुआ कि अगर मैं इसका मोड लगा भी दूं तो ये इक्विवेलेंट है 2 की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल के ही, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आना ही नहीं है, कहने का मींस हमारा ये है। अब आप देखिए, अब मैं इसको चेक करूंगा, देखिए अब ये एक सीरीज आ गई हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब मैं यहां पर लगाऊंगा डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट, तो डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट कैसे लगाऊंगा, तो मुझे मोड ए एन प्लस वन की जरूरत होगी, मोड ए एन प्लस वन क्या आएगा 2n प्लस वन ओवर में n प्लस वन का फैक्टोरियल, यही होता है, n को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस वन से। अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड ए एन ओवर में मोड ए एन प्लस वन, तो ये आपका आएगा देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर एन ओवर में एन फैक्टोरियल, और इसके अपोन में ये आएगा जो ऊपर जाकर चेंज हो जाएगा, यानी कि एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर में 2 की पावर एन प्लस वन। अब ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू में एन फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल और ये आपकी 2 की पावर n प्लस 1, ये इससे कैंसल, लिमिट n टेंडिंग टू आप इंफिनिटी करवाएंगे तो देखिए इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ये ऊपर वाली चीज भी और नीचे वाली भी, तो यानी ये टोटल किसको टेंड करेगा, इसमें 2 की पावर n है, ये 2 की पावर n प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो देखिए अब और इजी हो गया, n टेंड करेगा इंफिनिटी को, इंफिनिटी बाय 2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये हम अब बाय डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट, बाय डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट समेशन मोड ए एन इज कन्वर्जेंट, ये हमने रेशो टेस्ट में किया है कि अगर हम ये रेशो निकालते हैं ए एन ओवर ए एन प्लस वन वाली और लिमिट निकालते हैं और वो इनफाइनाइट आ जाती है, तो इट मींस ये होता है कि जो सीरीज गिवन है समेशन ए एन, जो ए एन का काम कौन कर रही है, या समेशन मोड ए एन काम कर रही है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ज करती है, तो यानी यहां से ये हुआ कि ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज कर रही है। इसके कन्वर्ज करने का मतलब ये है समेशन ए एन जो ये गिवन सीरीज है ये क्या है, इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, तो ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज है और एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो हेंस इट इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, यानी ये जो हमें गिवन सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज ये कन्वर्ज कर रही है। तो देखिए अलग अलग चीजें हम अलग अलग क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप पहले एग्जांपल्स कीजिए फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत आई तो वो अपने आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। देखिए अब इस एग्जांपल के अंदर आप देखिए ये सीरीज जो है हमारी इक्विवेलेंट किसके बन रही है, समेशन माइनस वन की पावर एन माइनस वन, क्योंकि अल्टरनेट साइन आ रहे हैं प्लस माइनस, तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन बनेगा, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्वेश्चंस के अंदर। और नीचे देखिए फर्स्ट टर्म में रूट टू है, सेकेंड टर्म में रूट थ्री है, थर्ड टर्म में रूट फोर है, यानी कि जो टर्म चल रही है उससे एक ज्यादा है वन बाय में, तो वन बाय क्या आ जाएगा रूट एन प्लस वन और प्लस में वन सबके साथ है। तो यानी अब हम यहां पर ये कहे कि हम ये किसके इक्वल हुई, हम इसको ऐसे कह सकते हैं समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ए एन के, आप ये कहिए। अब यहां पर अब मैं पहले इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लेता हूं, तो मोड ए एन क्या हो जाएगा हमारा, मोड ए एन आपका बन जाएगा वन बाय रूट एन प्लस वन प्लस वन, क्योंकि ये माइनस वाला जो साइन है वो
हट जाएगा मोड लगाने से, और इसके ऊपर मोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए रूट एन प्लस वन माइनस वन रूट एन प्लस वन माइनस वन, तो ये आपका बनेगा ऊपर रूट एन प्लस वन माइनस वन और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर यानी एन प्लस वन और माइनस बी स्क्वायर, ये वन से वन कैंसिल हो रहा है तो आपके पास आ रहा है रूट एन प्लस वन माइनस वन ओवर में एन, ये आपके पास यहां पर आ रहा है। अब आप देखिए मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसमें से n कॉमन ले रहा हूं, रूट n कॉमन ले रहा हूं या n कॉमन ले रहा हूं अंदर, आप ये कह लीजिए n कॉमन लिया मैंने इसके अंदर ही रूट के अंदर ही, तो क्या बचेगा आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, यानी कि जिस चीज को कॉमन लिया जाता है उस चीज से डिवाइड किया जाता है तो n बाय n 1 हो जाएगा प्लस 1 बाय n और माइनस 1 एज इट इज अभी और y में n आपके पास आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट n और रूट 1 प्लस 1 बाय n, मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, लिख सकते हैं बिल्कुल माइनस 1 ओवर में n। अब मैं रूट n कॉमन लेने लगा हूं इन दोनों में से, देखिए दो टर्म है एक ये और एक ये, इन दोनों में से रूट n कॉमन लूंगा तो रूट n कॉमन लेने से अंदर आपके पास बचेगा रूट 1 प्लस 1 बाय n और माइनस 1 बाय रूट n और नीचे आपके पास है n, n को क्या लिख सकता हूं रूट n इंटू रूट n लिख सकता हूं क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करोगे रूट n का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर n बन जाता है, तो हम इसको रूट n को रूट n इंटू रूट n लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी आपके पास आया 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर रूट माइनस 1 बाय रूट n ओवर में रूट n, ये आपके पास आया है। यानी हमारा जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन जो है मोड a n वाला उसने ये फॉर्म ले ली है, आपने ये चीज समझनी है। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। अब उसके लिए आप देखिए मैं चूज कर रहा हूं bn, चूज bn कर रहा हूं मैं किसको 1 बाय रूट n को यहां से देखते हुए क्योंकि मुझे इसको खत्म करना है। अभी आपको दिख जाएगा कि वो हमें अपने माइंड में सोचना होता है अभी हमें क्या लेना है, वो यहीं से ही दिख जाता है हमें अभी हमें क्या लेना चाहिए, तो यहां से मुझे नजर आ रहा है कि ये 1 बाय रूट n की फॉर्म का बनेगा तो मैंने bn जो दूसरी चूज की है सीरीज उसकी अंदर टर्म मैंने 1 बाय रूट n ले ली है। तो अब यहां से देखिए नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मोड an बाय bn, मैं कंपैरिजन टेस्ट यूज करूंगा क्योंकि अभी एक क्वेश्चन एक एग्जांपल में और किया था हमने, वही टेस्ट में यूज करने लगा हूं यहां पर। ये किसके इक्वल आएगा आप देखिए यहां पर दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 बाय रूट n ओवर में रूट n, और ये तो अभी हमने मोड an की वैल्यू लिखी है और y में bn भी लिखना है, bn ये है 1 बाय रूट n, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा रूट n बाय 1 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कीजिए ये टर्म 0 हो जाएगी, 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, 1 माइनस 0 यानी आपकी लिमिट आएगी 1 जो कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। और ये कंपैरिजन टेस्ट है कि अब इस सीरीज का और इस सीरीज का बिहेव एक जैसा होगा कंपैरिजन टेस्ट से, तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन मोड ए एन एंड समेशन बी एन बिहेव्स अलाइक, बिहेव्स अलाइक बट समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, ये डाइवर्जेंट है पी टेस्ट से, देखिए क्योंकि यहां पे 1 बाय एन की पावर 1 बाय 2 आ रही है, यानी कि ये देखिए ये समेशन 1 बाय एन की पावर 1 बाय 2 ये वाली फॉर्म ले रही है लेस देन 1 के लिए, क्या करती है पी टेस्ट से डाइवर्ज करती है, ये डाइवर्जेंट है तो इसका मीन्स ये हुआ कि समेशन मोड ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, और इसका मतलब ये हुआ कि समेशन ए एन इज नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, तो कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है। नोट देखिए अब इस पर ये देखिए यहां पर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं की सीरीज ने, जो ये सीरीज हमें गिवन है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं करती। तो अब
अब ये तो हमने चेक कर दिया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती, अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाए तब तो काम वही खत्म हो जाता है, एक लाइन में लिख देना होता है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, हम थ्योरम पढ़ कर आए हैं तो। लेकिन जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती तो गिवन सीरीज को लेबनीज टेस्ट की हेल्प से हम बताते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं कर रही है, तो ये हमें देखना होता है। तो अब हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे, ये जब गिवन सीरीज का, अभी हमने सिर्फ इतना प्रूव किया है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती, अब हम चेक करेंगे कि ये कन्वर्ज भी करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए देखिए मैं अब इसको रब करने लगा हूं और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब जब लेबनीज टेस्ट लगाना होता है, नाउ वी चेक दी कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज बाय लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट की हेल्प से मैं इसका कन्वर्जेंस चेक करूंगा। अब देखिए अब एक बात और समझनी है आपने, जब मेरे को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना होता है तब तो मैं इस पूरी को ए एन मान लेता हूं इसके समेत, माइनस वन की पावर एन माइनस वन के समेत। लेकिन अगर मेरे को इसको हम इसके इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस वन की पावर एन माइनस वन, और इस एक्सप्रेशन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको मैंने कहा ये बी एन है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बी एन सी एन डी एन कुछ भी नाम दीजिए, सी एन लिख दिया मैंने और एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं तब हमें पूरी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम सिंपल कन्वर्जेंस चेक करते हैं लेबनीज टेस्ट की हेल्प से तब हमें सिर्फ इसको छोड़कर इस इतने की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब यहां पर देखिए जो हमारा सी एन है वो क्या है, वन बाय रूट एन प्लस वन और प्लस वन है, ये है हमारा, ये अभी आपने किया भी था और ये किसके इक्विवेलेंट आया था अभी हमने किया था, तो ये आपका ये बना था वन प्लस वन बाय एन और माइनस वन बाय रूट एन और बाय में रूट एन, हमारा ये फॉर्म ली थी इसने। अब ये आपको ध्यान होगा कि हाँ इसने ये वाली फॉर्म यहां पर ली थी। अब आप देखिए अब लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कीजिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सी एन करता हूं, यानी कि इसकी लिमिट करता हूं मैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट वन प्लस वन बाय एन माइनस वन बाय रूट एन बाय में रूट एन। तो देखिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आई थी, ये 0 हो गया था, 1 माइनस 0 1 और 1 बाय में ये इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाय इंफिनिटी क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब एक तो हमारा काम हो गया कि ये जो सीरीज लेबनीज टेस्ट के लिए हम ये देखते हैं ये जिस सीक्वेंस से बनी है वो कन्वर्ज करनी चाहिए 0 को, कर रही है 0 को। अब ये दिखाना है कि ये जो सीरीज सीक्वेंस से बनी है ये सीरीज वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि बाय लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है। तो वो देखिए कैसे चेक करते हैं हम, अब आप यहां पर देखिए, वी नो दैट एन इज लेस देन एन प्लस वन फॉर ईच एन, बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको ये वाली बात। अब आप देखिए यहां पर कि n लेस देन है n प्लस वन से, या अभी दैट इज कि n प्लस वन इज लेस देन n प्लस टू फॉर ईच n, ये भी कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही तो है, यहां पे प्लस वन कर दिया इधर भी प्लस वन कर दिया तब भी लेस ही रहने वाला है। अब आप देखिए तो जब ये दो ये इससे लेस है तो इसका स्क्वायर रूट भी इधर वाले का स्क्वायर रूट इस वाले के स्क्वायर रूट से क्या आएगा, लेस आएगा, किसके लिए, फॉर ईच n के लिए, क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है। दिस इंप्लाइज आप देखिए मैं दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर दूं, मैं ये चीज बना रहा हूं आपने ध्यान रखना, तो मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तब भी इनइक्वालिटी हमारी मेंटेन रहेगी। ये जनरल मैथ मैं यूज कर रहा हूं आपकी, ये आप भी समझेंगे इस चीज को कि जनरल मैथ किस तरीके से यूज हो रहा है, फॉर ईच n। दिस इंप्लाइज अब आप देखिए अब मैं इसका रेसिप्रोक कर लूं तो 1 बाय रूट एन प्लस वन इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट एन प्लस टू प्लस वन फोर ईच एन, यानी ये आपकी बन रही है सी एन और ये आपकी बन रही है सी एन प्लस वन फोर ईच एन, यानी कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या है, छोटी है। इट मीन्स सिक्वेंस सी एन इज
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और ये कन्वर्ज कर रही है जीरो को. सो बाय लेबनीज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट. ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है. तो ये किस बात को इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. तो ये हमारी सीरीज क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है. तो ये आपने समझना है. तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको करवाए हैं, चार पांच एग्जांपल. अभी एक नेक्स्ट लेक्चर में और मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा. इसके छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से समझना है. आप कंसेप्ट को समझिए. बहुत सारे रिजल्ट क्यों इकट्ठे हो गए हैं, आप जितने भी हमने पिछले एक्सरसाइज में रिजल्ट्स किए हैं वो भी यूज हो जाते हैं कई बार भी, और खुद का इसका जो एक रिजल्ट आया वही बार बार यूज होता है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, उसका हम यहां पर यूज करते हैं. बाकी हम जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, कंपैरिजन टेस्ट यूज हो जाता है हमारा, पी टेस्ट यूज हो जाता है हमारा, और कंपैरिजन टेस्ट की भी अनेकों फॉर्म है, पांच छह फॉर्म है, वो हमने थर्ड चैप्टर में मैंने हर एक का प्रूफ दिया है. वो आपको याद करनी है वो, क्योंकि वो कहीं पे भी यूज हो जाएगी, किसी भी चैप्टर में यूज हो जाएगी. तो आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, तभी आप जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो बेस्ड प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स है, वो क्या रहेगी, वो आप आसानी से कर पाएंगे. थैंक यू. I'm gonna go to the hospital.